सतनाम श्री हरवाहे। भाई साथ संगत जी, आज सुख एतवार के दिन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हर सुख एतवार, हर एतवार को बल्कि हम अपनी शुरुआत करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी से, जो हमको गुरु साहब की आज्ञा के रूप में वचन साहिब प्राप्त होता है, उसका सार साझा करते हैं। और आज जो हमें एक बहुत ही ज़रूरी सिक्ख्या कह लीजिए, संदेश कह लीजिए, मिला है गुरु रामदास साहब जी की वाणी के रूप में, आइए उसका श्रवण करते हैं और उसका सार समझते हैं। अंग 667 पर ये वाणी आती है, इसको बंद कर दें। हवा गुरु रामदास साहब जी की वाणी, धनासरी महल्ला चौथा। हम अंधुले अंत बिखे बिख राते, क्यों चाल है गुर चाली। सतगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पारी। बड़ी ही प्यारी ये फिर हमें एक सीख मिली है, एक आज्ञा मिली है गुरु साहब की तरफ से। गुरु साहब फरमाते हैं कि हम अंधुले अंध बिखे बिख राते। हम अंधुले अंध का मतलब बहुत ही अंधे, इतने अंधे कि चीज़ें आंखों के सामने भी हैं और फिर भी नहीं दिखते। चलिए, एक वो अंधे होते हैं जिनको आंखों की जोत नहीं होती, हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं। हम तो ऐसे अंधे हैं कि आंखों की ज्योति होने के बाद में चीज़ें सामने हैं, लेकिन फिर भी हम वो नहीं दिखते। इसलिए गुरु साहब ने यहाँ पर अंधले अंधे कहा है। आगे गुरु साहब कहते हैं बिखे बिख, बिखे बिख बिख का मतलब तो आप समझते हैं जहर है, लेकिन बिखे बिख का मतलब ये है कि सामने हमारे मायावी चीज़ें हैं। ये जो माया का जाल फैला हुआ है हमारे सामने, देखने के बावजूद भी हम नहीं देखते, ये तो भयंकर विष से भी ज़्यादा भयंकर है, बहुत ही जहरीला है। अब समझते हैं इस पंक्ति का सारा। गुरु सब कहते हैं हम अंधुले अंध बिखे बिख राते, क्यों चालर क्यों चाली, कि हम तो जीव जो है वो माया के मोह में ऐसे अंधे हुए पड़े हैं कि मायावी पदार्थों के जहर में ही पूरे टाइम मगन रहते हैं। चलो पैसे कमा लें, चलो घर बना लें, चलो यहाँ घुमाए, ये कर ले वो कर ले, हम बस इसी में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। गुरु साहब ये कहते हैं कि क्यों चाले गुरु चाली, तो हम कैसे गुरु के बताए हुए राह पर चल सकते हैं। गुरु साहब तो हमें नहीं कहते कि मायावी चीज़ों में अपना समय व्यतीत करें। गुरु साहब तो हमें हमेशा ये समझाते हैं कि प्रभु के नाम से जुड़े रहो। इसी बात से एक प्यारी सी कथा है, ये मैं बाद में बताऊंगी। तो गुरु साहब कहते हैं कि क्यों चाले गुरु चाली, कि किस तरह से हम गुरु के बताए हुए राह पर चल सकते हैं। सतगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे आप पाली। कहते हैं कि सुखों को देने वाला वो गुरु, वो खुद ही हमारे ऊपर अगर मेहर करेगा ना, तभी हमारा कल्याण होगा। और जब वो मेहर करेगा, हमें अपने पल्ले से बांधेगा, हमें अपने पल्ले से लगाएगा, अपनी तरफ करेगा, तब जाके हमारा कल्याण होगा। आगे गुरु साहब कहते हैं गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, तो ये मेरे गुरु सिख मित्रों, हे मेरे भाई बंधु, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। जैसी चाल वो बता रहे हैं वैसी चाल चलो। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराला। कहते हैं जो गुरु कहता है कि परमात्मा की महिमा किया करो, परमात्मा की महिमा किया करो से क्या मतलब, हम खाली महिमा क्या करें। पहले हम ये तो समझें कि प्रभु की महिमा क्या क्या है हमारे ऊपर, कितने तरीके से वो कृपा करता है। यहाँ तक कि जो सांस हम लेते हैं वो हवा भी उसकी कृपा है, वो हवा भी उसकी कृपा है। ऐसी छोटी छोटी बातों की जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु परमात्मा तो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है।
इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु की महिमा किया करो, जो गुरु कहे सोई भल मानो, क्योंकि जो गुरु कहता है उसको अपने लिए भला ही मानो। हर हर कथा निराली, कहते हैं क्योंकि प्रभु की महिमा तो ऐसी निराली है कि उसको यूँ देखना कहना ये बड़ी आसान बात है, लेकिन गुरु की महिमा या प्रभु की महिमा तो वो होती है जो हमारे जीवन में तब्दीली ला देती है, परिवर्तन ला देता है। तो जब वो परिवर्तन हमारे साथ होता है तब हमें समझ में आता है, अरे वाह, ये तो प्रभु की कृपा थी हमारे ऊपर। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे लोग हमें बताते हैं कि हमारे पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई, तो हमें हाँ ठीक है, उसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई। लेकिन जब वो अनुभव हम खुद करते हैं कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर किन किन रूपों में हो रही है, किन किन जगहों में हो रही है, तब हमें समझ में आता है। लेकिन जब तक हम गुरु से नहीं जुड़ेंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये प्रभु की ही कृपा है। ये समझने के लिए हमें वो सब करना पड़ेगा जो हमारे गुरु जी हमसे कहते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, हर के संत सुनो जन भाई गुरु सेवो बेग बिगाली। अब बेग बिगाली बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। बेग बिगाली मतलब जल्दी, जल्दी से भी जल्दी। हर के संत जपो अपना, हर के संत सुनो जन भाई, कहते हैं कि हे हर के संत जनों, जो भी प्रभु का नाम लेते हैं वो भक्त, हे भाइयों सुनो, जल्दी ही गुरु की शरण में पड़ जाओ, और जल्दी ही नहीं जल्दी से जल्दी, एक पल भी गवाए बिना, क्योंकि समय गवाने वाला है नहीं। सतगुरु सेव खरच हर बाधो, मत जानो आज की काली, कहते हैं कि और गुरु की शरण में पढ़कर, यानी अपने जीवन यात्रा जब आप जिए तो गुरु के कहने के अनुसार चलें, और परमात्मा के नाम का कमाई, उनके नाम की खर्ची, सतगुरु सेव खर्च हर बांधो, सतगुरु की सेवा करके जो हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा उससे जब हम नाम की कमाई करेंगे, बस वो समझ लो तुम्हारी खर्ची है। खर्ची किस बात की? इस लोक से उस लोक तक की जो यात्रा होगी उसमें वही नाम की कमाई हमारे काम आएगी, और कोई कमाई हमारे काम नहीं आएगी। तो जो माया में सब फंसे हुए हैं, माया में ना फंसो, जरूरत के हिसाब से चीजें रखो। तो गुरु साहब कहते हैं, सतगुरु सेव खर्च हर बाधो, मत जानो आज की काली। अब ये मत समझना कि अच्छा ठीक है आज मैं कमा लेता हूँ कल करूंगा, तो ये तुम अपने दिमाग में मत रखो कि ये आज नहीं करूंगा कल करूंगा, कल नहीं करूंगा परसों करूंगा, क्योंकि जब काल आता है तो वो आज या कल नहीं देखता। ये काल कभी भी आ सकता है, इसलिए बिना एक क्षण गवाए जल्द से जल्दी गुरु की शरण में जाओ, और जैसी गुरु आज्ञा दे, जैसी चाल वो चलाए, वैसी चाल चल के हर के नाम की कमाई, खर्ची अपने पास जोड़ो, वही काम आने वाली है। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, कहते हैं कि हे हर के संत जनों, परमात्मा का नाम जपा किया करो, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, कहते हैं इस जाप की इनायत से ही हर के जो भी भक्त हैं, जो भी संत हैं, वो प्रभु की राह पे ही चलने लगते हैं। आप प्रभु का नाम तो जपो, फिर देखो प्रभु के नाम के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इतना मीठा रस, इतना मनोहारी भाव कि मन उसी में ही मगन रहना चाहता है। गुरु साहब कहते हैं कि जब हम प्रभु की आज्ञा में चलते हैं तो समझ लो कि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु भी हमारे साथ साथ चलता है, हमारे पास में ही रहता है। जिन हरि जपिया से हर होए, हर मलिया केल केलाली, और जो मनुष्य परमात्मा का नाम जपते हैं, जिन हरि जपिया से हर होए, वो हरि के जैसे हो जाते हैं, उनमें भी वही गुण वही तेज आने लगता है, वही वाक फलित होने लगता है, क्योंकि प्रभु स्वयं उनके साथ जुड़े हुए हैं,
कौन प्रभु जुड़े मिले हुए हैं? हर मिलिया खेल खिलाड़ी, वही प्रभु जुड़े हुए हैं जो ये सारा खेल रचता है। इस खेल को चलाने वाला जो मालिक है, वो जब हमारे साथ हो गया है तो ये दुनिया हमारे लिए खेला रही नहीं जाती है। तो हमें तो इस दुनिया के सारे गुण सारे रहस्य पता चल जाते हैं जब हम उस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब कभी कोई गेम खेल रहे होते हैं तो कहते हैं भैया थोड़े कोई हिंट दो। अब हिंट क्या दें, जिसने गेम बनाया है उसको तो सब कुछ पता है ना कि कहाँ पे कौन से घर में क्या हमने छुपाया है। तो जब आप स्वयं ही उस जगह आ जाएंगे, खेल रचने वाले के साथ आ जाएंगे, आपको बहुत ही सारे रहस्य पता चल जाएंगे। हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा घर बनवाली। बनवाली किसे कहते हैं? बनवारी किसका नाम है? श्री कृष्ण जी को बनवारी कहते हैं। बनवारी क्यों? क्योंकि वो वन में रहने वाले थे, वन में विचरण करने वाले थे, गायों को चराने लेके जाते थे और वन में ही वो दिन भर निवास करते थे, इसलिए उनका एक नाम बनवारी भी है। हर हर जपन जप लोच लुचानी, लोच लुचानी का मतलब है कि मगन हो जाना। और कैसे मगन हो जाना? कैसी चाहत लग जाना, चाहत की लत लग जाना। खाली एक बार की चाहत नहीं है ये मुझे मिल जाए, एक बार मिल गया फिर लत लग गई, नहीं अभी मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये जो चाहने की लत है ना, ये बात कह रहे हैं गुरु जी, हर हर जपन जप लोच लुचानी कि हे बनवारी प्रभु, मुझे तो तेरा नाम जपने की लत लग गई है, मैं तो मगन हो गया हूँ। जन नानक संगत साध हर मेलो, कहते हैं कि हे प्रभु हे परमात्मा हे बनवारी, मेहर करो मुझे साथ संगत में मिलाए रखो, हम साध जना पकड़ा ले, मुझे तेरे संत जनों की बस भूल ही मिलती रहे तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब मैं संत जनों के साथ रहूँगा तो पूरे समय वो प्रभु की महिमा ही सुनूंगा और मेरा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, मैं एक रास्ते पे लगकर, एक नियम से लगकर, बिल्कुल एक फोकस होकर मैं उस प्रभु का नाम जपूंगा, तभी मेरा कल्याण होगा। सतनाम श्री ओंकार। बड़ी प्यारी बात कही है, संत जनों के साथ रह के यही हमें लाभ मिलता है कि कम से कम हम नित नियम के साथ जुड़ जाते हैं। जब भी हम कभी इस तरह की बात करते हैं प्रभु परमात्मा से जुड़ने की या हम ज्ञान लेने की, तो उसमें हमारे सनातन धर्म में जब योग की हम बात करते हैं, योग से ही साधना होती है, उसके आठ नियम बताए गए हैं। और आठ नियम में सबसे पहले यही आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि ऐसे नहीं लगती है, उसका पूरा एक रास्ता होता है, उस रास्ते पे चल के ही हम वो उस समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां हमें प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन ये नियम पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। ये पता है किस तरह से है? ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल की किताबें लेने हम मार्केट में जाते हैं ना, टेक्स्ट बुक्स खरीदने जाते हैं, मार्केट में मिलती हैं। तो जब मार्केट में किताबें मिलती ही हैं तो फिर हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? किताबें मिल तो रही हैं, इतनी लाखों की फीस क्यों जमा करते हैं? घर बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो किताब में ज्ञान है उसका जो रहस्य है वो बच्चों को एक गुरु ही समझा सकता है, वो हम नहीं समझा सकते। हम उसको थोड़ा थोड़ा पाठ पढ़ा देंगे, लेकिन किस तरह से पाठ पढ़कर आगे की कक्षा तक जाना है, एक स्तर ऊपर उठना है, वो जो उसके टीचर है, जिस सब्जेक्ट के वो मालिक हैं, वही वो बता सकते हैं कि इस समस्या को, इस दुविधा को इस तरह से लटकाया जाता है। करेक्ट है? तो ज्ञान लेने के लिए किताबें तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ज्ञान लेने के लिए हमें उस विषय के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। अब कहने के तो हमारे पास भी घरों में रामायण भी है, गीता भी है, लेकिन घर में खाली ग्रंथ रख लेने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान लेने के लिए तो हमें जो उसको समझने वाले हैं उनके पास जाना पड़ेगा, ताकि वो हमको उसकी उसका रहस्य खोलकर
उसको थोड़ा और बिखेर कर आपको समझा सके कि इसका मतलब ये है, तब हमें वो ज्ञान समझ में आएगा। और जब हम स्कूल जाते हैं वहाँ से जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें स्कूल की परीक्षाएं पास कराता है, सब्जेक्ट की परीक्षाएं पास कराता है। लेकिन जब हम अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए अपने गुरु जी के पास जाते हैं तो वो हमें जीवन की परीक्षा में पास कराते हैं। सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस है एक टीचर में और एक गुरु में वो ये है। अब कहने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे भी ऐसे बहुत से भक्त हैं जो जब दरबार के सामने से निकलते हैं उनकी भक्ति देखकर ना बड़ा प्रेम आ जाता है। वो बाहर निकलते हैं, दो मिनट के लिए स्कूटर रोकते हैं, मत्था जमाते हैं, कुछ लोग उठ के आते हैं मत्था टेकते हैं और हाजरे लगाकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति भाव में कहीं कोई कमी है, लेकिन ये वही बात होगी कि आप रोज स्कूल के सामने से जाएं और अंदर ना आए आपको पता कैसे चलेगा कि अंदर ज्ञान क्या मिल रहा है। तो वो लोग जो थोड़ा एफर्ट करके दरबार के अंदर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनकर फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा ज्ञान ये भी है, इस तरह से भी जाया जा सकता है, उनके प्रभु परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते और सरल होते जाते हैं, उनकी दुविधाएं दूर होती जाती हैं, जो भ्रम में हम पड़े होते हैं या जो हमारे मन में विचार बहुत उठ रहे होते हैं, सवाल बहुत उठ रहे होते हैं, उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए अगर अपने धर्म के साथ जुड़ना है तो थोड़ा यम नियम तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल सकेंगे और उस रास्ते पर चलकर प्रभु परमात्मा तक पहुंच सकेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। सतनाम श्री सरकार। एक कथा में सुना था जो मैंने कहा था, कथा भी बहुत प्यारी है। कथा कुछ यूं है कि एक बार क्या हुआ कि कबीर भगवान कबीर जी बैठे थे और कबीर जी के पास एक स्त्री आई, पूछने के लिए लोग आए कि आप जो हैं वो मैंने तो आपको कभी प्रभु का नाम लेते देखा नहीं, सुना नहीं, आप प्रभु का नाम कब जपते हैं। तो कहते मैं तो पूरे टाइम ही राम में रहता हूँ, मैं तो पूरे टाइम ही उसके ध्यान में रहता हूँ। कहते ऐसे कैसे रह सकते हैं, आप घर का भी सारा काम करते हैं और आप जो हैं वो कपड़ा भी बुनते रहते हैं, तो प्रभु के साथ ना मैं कब बैठते हैं। कहते अब मैं इसको ऐसे कैसे सिखाऊँ। कहते अच्छा चलो मेरे साथ बाहर चलो। तो उसे बाहर लेके जाते हैं और बाहर दिखाते हैं, कहते हैं सामने से एक पनहारन आ रही होती, पनहारन पता ना जो पहले वो मटकी में पानी भर के लेके आते थे, तो वो पानी लेकर आ रही होती है मटकी में और मस्ती से गाना गाते हुए चली आ रही होती है। हाथ में उसके कुछ होता है, कुछ ढेर सारे फूल होते हैं और वो गाना गाते हुए रास्ते पर चलती आ रही है, सर के ऊपर मटकी भर रही है। तो कहते हैं ये पनिहारन क्या कर रही है। तो कहते हैं कि ये तो हाथों से माला बुन रही है। कहते हैं माला बुन रही है, अच्छा तो गाना भी गा रही है, हाँ गाना भी गा रही है। कहते हैं कि इतना सारा काम वो बच्चे कैसे कर रही है, वो तो खाली पानी लेने के लिए गई थी। अब वो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कहते हैं सिर्फ कहने की बात है, उसने एक बार घड़े अपना सर के ऊपर धारण कर लिया, बैलेंस बना लिया, क्योंकि उसको पता है कि ये काम तो उसे करना ही है। अब पूरे समय वो मटकी उसके सर पे है लेकिन वो बाकी सारे कार्य भी कर रही है, वो गीत भी गाती जा रही है, वो हाथों से माला भी बुनती जा रही है और अपना बैलेंस भी बनाए हुई है। मैं भी बस ऐसा ही हूँ, प्रभु को हमेशा अपने सर के ऊपर माथे के ऊपर बिठा के रखता हूँ, प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनके स्मरण में रहता हूँ और ये ख्याल रखता हूँ कि मैं अपने रास्ते से कहीं इधर उधर भटकूं नहीं, बाकी कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो हमको भी बस इसी भाव में रहना है, हमेशा उस प्रभु के साथ कनेक्टेड रहना है, बाकी सारे कार्य वो आपे खुद करा देगा। सतनाम श्री हरिवाहे।